अगली सवेर तेरे शहर आ गया, तू भी ता बहाना करे लाया सी कदे, एक मिनट वाली मुलाकात वाली ए, तेरी गल उत्ते रंग लाया सी कदे, आशिक पराना तेरा ओही। तो दोस्तों, वेलकम टू वर्मा फैमिली ब्लॉग। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज दिल्ली से, और मैं आपको बताऊंगा दिल्ली किस लिए आया हूं और क्या क्या काम है। मैं बच्चों को लेकर आया था क्योंकि अब दिल्ली काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, क्योंकि देखो टाइम तो होता नहीं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, वो ख़त्म हुआ, मेरी लड़की के अभी एग्ज़ाम है, उस चक्कर में मैं आ नहीं पाया। और मैं हूँ कल रात को थोड़ा ब्लॉग शूट करना था, नहीं कर पाया क्योंकि दिल्ली में बारिश हो रही थी यहाँ पर काफ़ी। तो आज मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ, अब आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ है और क्या क्या होने वाला है। हाय दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज वर्मा फैमिली ब्लॉग में। आज हाय दोस्तों, और ये पौलवी के लिए आज कुछ नई जगह है जो मैं आपको कुछ एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। अब थोड़ी देर में बताएंगे हम कहाँ पहुँचे हैं, आज को बिल्कुल न्यू लोकेशन मिलते हैं यहाँ। ये सोच रही मैं कहाँ आ गई, और आज से दिल्ली में अपने घर लाया हूँ। वहाँ पर आज इसे फर्स्ट मॉर्निंग है इसकी जहाँ वॉक हो रही है, तो देख रही है यहाँ का माहौल क्या है कैसा है। ये देख यहाँ हरियाली देखिए कितनी है, बहुत हरियाली है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मगर अभी इसको समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ आ गया, अभी घूमे जा रही है। और यह सुबह सुबह मैं इसे लेके आ गया था 6:30 पे, मैंने कहा चलो इसी बहाने हमारे भी वॉक हो, लेकिन तो इस टाइम तक तो सब सो ही रहे होते हैं घर पे, क्योंकि आपको तो पता है दिल्ली में संडे का मतलब है 8-9 बजना ही है। तो इसलिए मैं लेके आता वॉक करते हैं, आगे देखते हैं आज क्या कहना है कुछ। ये देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है जो कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जो हर बार बताता रहता हूँ मैं एक अच्छा टूर। ये देखिए जो यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, ग्रीनरी के बाद आप देखते होंगे पत्ते झड़ते हैं। तो देखो यहाँ के जो हमारे माली होते हैं दिल्ली में, अब आप बताए तो ये इनका कंपोस्ट बना रखा है। ये देखो ये जाल लगाए 1, 2, 3, 4, 5, ये इनका यूटिलाइज होता है, इसको रख दे ये कंपोस्ट बन जाएगी, तो ये यहीं पर यूटिलाइज हो जाएगी इन पौधों के लिए। जैसे कि उसके बाद का रिव्यूज दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये कंपोस्ट बन चुका है, ये बहुत ही बढ़िया खाद होती है जो कि इन्हीं के पत्तों से बनी है, ये बाद में इन्हीं के लिए यूज़ है। कितना अच्छा यूज़ कर रखा है इन्होंने, देखो सफाई भी हो रखी है और उसका यूज़ भी हो रखा है। देखो जो चीज़ अच्छी लगती है मैं हर वैसे अपने ब्लॉग में दिखाता हूँ बताता हूँ, और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है जो यहाँ पर हो रखा है। बहुत ही अच्छा एक कदम है इनका, मालियों की सोच है बहुत बढ़िया। A few moments later, तो जैसा कि मैं दिल्ली आया और जो मुझे सबसे फेवरेट होते हैं गार्डनिंग में, यहाँ पे देखा भाभी ने देखो कितनी अच्छी गार्डनिंग कर रखी है, ये फूल ये देखो आपको एक एक करके दिखाता हूँ। इसका केयरिंग का सारा सिरे जाता है पापा और भाभी को, बाकी तुम्हें पता है राजू तो बड़े भाई हमारा। छोटे बेटा दिखा एक एक करके फूल, ये मेहनत होती है क्योंकि जब इसको दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ फूल और जो जो गार्डनिंग में होता है वो सब दिखाता ही हूँ। ये देखिए ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर से आ रहा हूँ मैं सीधा, दिल्ली में हमारे फ्लैट्स है डीडी फ्लैट्स, इसका मतलब समझ ही रहोगे ये इतना ग्रो कर रहा है। तो अरे तुलसी जी को प्रणाम, सुबह सुबह जय हो तुलसा मैया। और भाभी क्या चल रही, सफाई चालू है? One hour later. और अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या तैयारी हो रही है संडे की। संडे को तो सबसे पहला बड़ा कर तेरी क्या बन रहा है, अच्छा ब्रेकफास्ट के दिन क्या है आज स्पेशल? ब्रेड रोल लग रहा है, सुबह से कुछ खाया नहीं, इसकी तो आवाज़ ही बाहर नहीं आ रही, क्या बना रही है? ब्रेड रोल, अच्छा चलो देख बनाओ फटाफट, फिर देखते हैं क्या है। और नाश्ते की हो चुकी है तैयारी, जिसके मैं पूछा था आपको दिखाते हैं थोड़ी थोड़ी। और अब
भाभी भी आ चुके हैं, तभी इधर को भाभी घूम के जरा पता तो लगे क्या बोल रहा है। अब ठीक है पन्नी तो बच्चों को बैठाएं केक करके, लंगर वाला है साहब, जिस दिन ब्रेड और बनता है उस दिन तो आधी फैमिली उदयपुर बैठी हुई है इंतजार में, आज संडे के दिन क्या हो रहा होगा। वो भी होते तो अच्छा लगता है। हाँ भाई फिर फटाफट आज चलते नहीं, क्योंकि तीसरी भी होती और ये किचन ये छोटा नहीं है, इसमें बहुत लोग आ जाते हैं। देखो कब से तो आपको दिखाते हैं। हाँ ठीक है, आज नाश्ता मिलेगा नहीं मिलेगा मम्मी के लिए, तीनों घुस गई है, नाश्ता भी नहीं मिलेगा आज। ठीक है फिर आगे दिखाते हैं और क्या क्या होगा। बाबा जी प्रणाम, हैप्पी फादर्स डे। धन्यवाद, थैंक यू। और आज फादर्स डे है, हम आपको बता रहा हूँ दिल्ली आए हुए थे, हम कल रात को पहुँचे पापा के पास, पार्टी का सारा जिम्मा हमारे पापा जी उठाएंगे, आज कोई पार्टी देंगे, हैप्पी फादर्स डे। और इसमें देखने क्या 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 प्रोग्राम है, क्या करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, फादर्स डे के दिन हम आ गए, खाना पीना होता है और क्या होता है, खाना पीना तो होता ही करेगा। और इसमें एक बात यह है कि जैसे हमारे गए चाहते हैं, मतलब आप कितने भी पैसे वाले कुछ हो जाए, मगर आपके माँ बाप के आगे हमेशा हाथ ऐसे ही रहे। ये फादर्स डे स्पेशल बात कह रहा हूँ कि आपको कितने भी अमीर हो जाओ, मगर अपने माँ बाप के आगे हर और आपके हाथ ही रहता हूँ, क्योंकि और जरूरत पड़ती रहती है तो अपने माँ बाप की कदर करना सीखो, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ता है, रिग्रेट करता है। हैप्पी फादर्स डे सबको, फैमिली ब्लॉग एक ही तरफ क्यों कर रखा हूं, मेरे घुमा दे उसके लिए, कमरे में घुमा दो, मैं सबको घुमा दे, पापा को दिखा दे उधर को, घुमा उधर को, उधर उधर। हां समझ गया, उधर क्यों बोल रहा है, लाइट पड़ेगा ना, इतना लंबा तरह। और ये आ चुके हैं ब्रेड रोल बन के रेडी, अब दिखाते हैं, अब इसे खाते हैं और फिर निपटते हैं। हाँ ये देख लो सिप, हाँ भाई रेडी गाइस, रेडी संडे मॉर्निंग, हैप्पी संडे और फादर डे। कर दिया विश, मैंने तो कर दिया, तूने कर दिया, ठीक है, मैंने तो तेरा वाला दिया नहीं, अपना वाला लिया कैमरे में। आजा भाई, हाँ चाचा के ब्लॉग से मैं शुरू कर रहा हूँ। गाइस देखो इन लोगों ने तो खा लिया, अब जिन्होंने बनाया है उनकी बारी। क्रेडिट गोज टू, अपना बना हुआ कैसा लग रहा है? यम्मी, अभी भी मुंह सूजा ही आ रहा है। गाइस मम्मी ने अपनी वीडियो डिलीट करवा दी थी सुबह की, कह रही थी मेरा मुंह सूजा हुआ आ रहा है, अभी अभी बता दो कैसा है। अब तो एक उसे देखो जो पतले, वो तो प्लेट नहाती है, ये इसका फेवरेट है। हाँ इसका फेवरेट नाश्ता है, ये चार तो चाहिए, छह खाएगी आज, ये छह खाएगी। इसने कितने खाए? कुत्ते की जंग के लिए इसने, इसने तो बहुत ही खा लिए, तीन चार खा लिए इसने, तीन चार। और तूने? मैंने तीन ही खाए, मेरा है, मैंने तो जबकि कम खाया है। अच्छा तू तो ऑयल वाला कम खा रहा है, तेरा मुँह ये दाने हो रहे हैं। और भाई तूने कितने खाए? पाँच। तुझे मनोज चाचा ने कुछ बोला था? मनोज चाचा ने क्या बोला जल्दी बता। बाल कटवाने को बोला था। मनी देख ले, मैंने बोला था दिल्ली आया कटवाएगा, बाल कटवा जाएगा इसके साथ, ठीक है ना। हाँ संडे का रूटीन, ठीक है चलो अब देखते हैं आगे। और ये हैं हमारे भाई साहब, आज ये कहाँ का ले जाते हैं हमें, कहते हैं एक जगह जाना, आगे जाके देखते हैं कहाँ का चलते हैं। कपड़े एक नंबर, क्वालिटी नंबर वन। और ये गुड़गांव से आओ तो गुड़गांव की स्पेशल करो भाई अनबॉक्सिंग हैप्पी फादर डे के लिए। और ये है भाई फेमस डोडा हरीश बेकरी से। गाइस चाचा लाए हैं, ये गुड़गांव की फेमस बेकरी है हरीश, वहाँ से डोडा लाए हैं हमारे लिए, फादर्स डे का भी गिफ्ट कह सकते हो अपने पापा के लिए, ये देखो। और ये जो कि राजू और सब बच्चों का यहाँ पे फेमस है, बचपन से खाते आ रहे हैं, बहुत पसंद है। छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे, बच्चों के संग बच्चे भी।
फादर डे में देखो दोनों का मैचिंग मैचिंग हो रहा है, क्यों ठीक है ना, मैचिंग मैचिंग हो रहा है। और हम फादर डे स्पेशल है आज, चलो क्या सामान लेने जाओ, लेगा कुछ पार्टी का, ठीक है, पहुँचो लेने जा रहे हैं, ठीक है। आज मैचिंग पहन का अच्छा लग रहा है, कौन कहेगा, बाल काले पापा के ज़्यादा, इसलिए मैंने डाई लगाई है, पापा से थोड़ा एक कैप पहन ले, चलो अच्छा पापा गर्मी बहुत ही ध्यान रख रहा, निकलो आप, चलो भाई ठीक है, चलते हम भी निकले यार, चलो। और अब ये करा लाया कट कटिंग करा लाया, देखियो अब चाचा खुश हो जाएंगे, घूम के देखा पीछे को, जल्दी देखा, हाँ देख लो मैंने कटिंग हो गई आज संडे को, ठीक है चल बड़े, अबू भी करा के लाया, और आए हम अभी कहीं दिखाते हैं आपको शॉपिंग करने, और यह है अपने यहाँ का इलाका, आए हम शू के साथ, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा आज आज के लिए थोड़े देख के फिर फटाफट निकलते हैं, जो चीज़ पसंद आए तो देखते हैं। और शॉपिंग करने गए थे, शूज़ लेके आए हैं, रेड टेप और टी शर्ट्स हैं, और एक और चीज है आज फादर्स डे के स्पेशल पे बाबू के लिए एक सरप्राइज टी शर्ट, मैं और आदि दे रहे हैं बाबू को, खोल के दिखाओ, अभी खोल के दिखाएंगे आज बच्चों की पसंद, अभी नहीं पता, अबू करता भाई पापा को ये पसंद है, दादाजी को देख मैंने दिखा बाबू को क्या पसंद है, दोनों पसंद ये देखो बढ़िया लग रही है भाई, मुंह बना लिया बाबू ने, चौड़ी नहीं है साईं जी, ओ आजकल ऐसी ट्रेंड चल रहा है, आजकल यही चल रहा है ट्रेंडिंग में, ये देखो अभी पहन के कल का प्रोग्राम है अबू, कल कहीं ले जा रहे हैं बाबू को, कहीं मूवी देखने जा रहे हैं हम, गाइस बाबू के लिए फादर्स डे का सरप्राइज गिफ्ट लाए हैं, टी शर्ट खोल के देखे, बटन तो खोल दो, अभी पहन के दिखाते हैं, ऐसे लग रहे हैं हमारे बाबू, एक नंबर, कैसा लगा भाई गिफ्ट, बढ़िया है ना, फादर्स डे का गिफ्ट है ये सरप्राइज गिफ्ट, कैसा लगा, छोटा गाइस कमेंट में बताओ छोटा है या, तभी बताएंगे बाबू को, छोटा थोड़ा ना लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है ये, छोटा है ना, गाइस फादर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है, सारे बैठो, हमारे फादर्स और उनके फादर्स, फादर्स के फादर्स, चाचा के बाल नहीं बैठ के दे रहे, अरे सब बैठ के सेट हो गए यार, पीछे से थोड़ा मैं यहाँ से, चलो केक कटिंग इधर देखो चाचा, ये कट रहा है, हाँ उठाओ चाकू, अरे बाबू इधर देखो, अच्छा फोटो सेशन नहीं रुकना चाहिए इनका, बहन के उसमें देखो, बहन के कैमरे में, बहन अपने आईफोन का वो करते हुए शो ऑफ, काटो ये फोटो आएंगे, अबे बैठ जाओ ना सारे, तो बैठो, पूरे उसमें आते नहीं है, बैठे तो हैं,
Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to three all of them. Happy Father's Day. तो क्या है ये? हाँ और क्या? बर्थडे समझ रहे हो? अपने ना एक दूसरे को खिलाओ. Father से direct mother पे चलेगा. मंदिर पे ले गई मम्मी. एक एक करके. ले गए ले गए. आप दोनों खिलाओ पहले बाबू को. केक कैसा लग रहा है? हाँ मुंह खोल लिया. ये डाल रहे हैं. आधी की टर्न. आधी का टर्न हो गया पूरा. हो गया. अच्छा खुश हो गया. अरे बना रहे हैं अब खुशी की बारी. किसने कटवा था केक? खा लो खा लो. वीडियो चल लिया. ये बात चलो. अरे चाचा पीछे. हाँ ले. इधर इधर कैमरा मैन इधर है. स्माइल कर दो. हाथ टूटा हुआ. उससे कोई बात नहीं. उससे कोई नहीं. आज तो आप करके ऊपर कर रहे हैं. रुक जा कर तू. न्यू टीशर्ट. आज बाद में आज तो चमक आ रही है. इसे भी कर के की. अरे ग्लास भाई और खाने टाइम नहीं है. थोड़ा थोड़ा चलो. मैं आपको पूरा कर दूंगा. पूरा कर दूंगा. A few moments later. और मैं आया था. मेरी दीदी आई हूँ बरेली से मिलने. मैं दीदी से मिलने आया हूँ क्योंकि मैं निकलने वाला हूँ गुड़गांव को. यह दीदी और सब बैठे हैं. संजीव चलो भाई करो बातें. क्या है जैसे दीदी हमें अपने पुराने टाइम की बातें बता रहे हैं कैसे होता था. और आज इस ब्लॉग को मैं एंड करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँ. आज बरेली से हमारी दीदी आई हैं जिनसे मैं मिला था और काफ़ी बातें करी. मैं और राज जाके बैठे थे. उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें करी. उन्होंने एक चीज़ और बताई. देखना आप जो ब्लू साड़ी पहने हैं वो है राजू की शादी की. राजू मतलब बड़े भाई की शादी की. शादी के टाइम की उन्होंने वो साड़ी पहनी हुई है और जो अब भी फिट है और अच्छी लग रही थी. उन्होंने यही बताया करे कितने साल हो गए. मैंने कहा वाह. तो ये बातें चल रही थी काफ़ी हमारी पुरानी की कैसे टाइम स्पेंड किया. तो कुछ बातें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी. थोड़ा दिखाया कि दीदी इसमें बैठे हैं क्योंकि बातें चली थी मम्मी की आंटी की. तो इमोशनल हो गए थे इसलिए. यह बहुत अच्छा लगा बातें करके. अब मैं घर आया हूँ. घर आया हूँ तो किस लिए आऊँ. और अभी पापा का हैप्पी फादर डे का केक कटवा के फिर सेलिब्रेशन करवाया है. अब देखते हैं. और इस ब्लॉग में कैसा लगा. मैं ब्लॉग का एंड करने जा रहा हूँ. कैसा लगा इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें. इसे अपने दोस्तों पे भेजें यार. ठीक है पापा. दोस्तों पे भेजना है. हाँ भाई. तो इससे अच्छी है ये. बाय. इससे अच्छी बाय. अच्छा.